नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल 10 जुलाई को सोमवार के दिन वसई विरार में एक जन्मदिन की काफी चर्चाएं थी और बड़े ही उत्साह से जन्मदिन मनाया गया। यह जन्मदिन था वसई विरार के बहुजन विकास आघाड़ी नेता और नालासोपारा विधायक क्षितिश ठाकुर का, जहां इस बर्थडे सेलिब्रेशन की काफी चर्चाएं थी क्षेत्र में। वहीं दूसरी तरफ एक अनोखा बर्थडे मनाया गया, उसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर जारी है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उसी अनोखे सेलिब्रेशन का है। दरअसल ये सेलिब्रेशन किया गया आगरी सेना ने नालासोपारा के गड्ढों में बर्थडे केक काटा और कहीं न कहीं यह अनोखा सेलिब्रेशन किया, या यूं कह सकते हैं कि अनोखा आंदोलन किया। यह आंदोलन क्यों किया गया आपको समझ में आया होगा। वसई विरार अंतर्गत पूरे ही वसई विरार में क्षेत्र क्षेत्र में गड्ढे हैं और कहीं न कहीं यह जो अनोखा आंदोलन है, तो एक मायने में ये कल जो बर्थडे था विधायक क्षितिश ठाकुर का, तो उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर एक तंज भी था। हम सभी जानते हैं कि नालासोपारा के विधायक हैं क्षितिश ठाकुर, और आगरी सेना ने बिना नाम लिए क्षितिश ठाकुर का ही बर्थडे सेलिब्रेशन इस तरह से किया। आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल समेत इनके विभिन्न नेता, महिला नेता वहां मौजूद थे। नालासोपारा तुलिंद क्षेत्र में राधा कृष्ण होटल के बाजू में वहां पर उन्होंने केक काटा, और हमारी सहयोगी पत्रकार अनीता पांडे ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए ये कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम बर्थडे मना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कल के दिन में, सोमवार के दिन में 10 जुलाई को क्षितिश ठाकुर का ही बर्थडे था, और ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन आगरी सेना ने किया, ये भी सेलिब्रेशन क्षितिश ठाकुर के बर्थडे के अगेंस्ट में ही विधायक के पद पर रहते क्षितिश ठाकुर अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में गड्ढे हैं इनका एहसास दिलाने के लिए किया गया ये एक अनोखा बर्थडे सेलिब्रेशन था। एक तरफ हम इस बर्थडे सेलिब्रेशन को अनोखा आंदोलन कह सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसको हम राजनीतिक स्टंट भी कह सकते हैं। आगरी सेना ने यह एक बड़ा राजनीतिक स्टंट लिया। अब देखना यह होगा कि इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन होने के बाद क्या इन गड्ढों का कायाकल्प होता है। और एक बात और, ये सीधी सीधी तौर पर कि गड्ढों के लिए वसई विरार महानगर पालिका सीधे तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र में महानगर पालिका के आता है, और महानगर पालिका गड्ढों को भरने के लिए काम भी शुरू कर चुकी है। हालांकि महानगर पालिका के जो काबिल कॉन्ट्रेक्टर है उनका काम इतने अव्वल दर्जे का है कि चाहे सड़क एक वर्ष पूर्व बनी हो या चंद दिनों पूर्व बनी हो, बरसात के कुछ छींटे लगेंगे और गड्ढों में तब्दील हो जाएगी। ये आज नई बात आज की नहीं है, पिछले कई सालों से ऐसा चलते चला आ रहा है। कई आयुक्त आए और चले गए, लेकिन किसी आयुक्त ने इन गड्ढों का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला है। आयुक्त आए चले गए, इंजीनियर वहीं के वहीं हैं, फिर भी गड्ढे वहीं के वहीं हैं। टेक्निकली रूप से इन गड्ढों के लिए इंजीनियर जिम्मेदार होते हैं, इंजीनियर सब वहीं के वहीं हैं, लेकिन गड्ढे जस के तस है। हर बार थोड़ी सी बारिश में
रोड में गड्ढे हैं कि गड्ढों में रोड है, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और जैसे आयुक्त आए चले गए, इंजीनियर वहीं के वहीं है, वैसे ही विधायक महोदय भी वहीं के वहीं हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि आगरी सेना ने विधायक महोदय का बर्थडे इस तरह से अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया। देखिए आगे आगरी सेना ने क्या कुछ सेलिब्रेशन किया और क्या कुछ इसके ऊपर उन्होंने अपना बयान दिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। एक सेकंड, नहीं नहीं वही मैं आप मत दादा, आज आपने यहाँ के जो एमएलए है क्षितिज ठाकुर, उनका इन गड्ढों के बीच में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। देखो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, खड्डा आज मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करना था खड्डे का, वो किया मैंने। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसका बर्थडे मुझे मालूम नहीं। मेरे को तो खड्डे का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। जो लोगों ने इधर 10% जेड में लिया है, उनके अगेंस्ट वो आंदोलन है और उनके लिए किया है। लेकिन आज का ये दिन क्यों चुना आपने? आज का अच्छा दिन है ना, आज सोमवार है, अच्छा दिन है। आगे कल पूरे वसी तालुके की रस्ते आयत का खड्डे, रास्ता दिखता नहीं, खड्डे दिखते, तो ये करने की अच्छे करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो उनका सेलिब्रेशन किया हम लोग ने इधर। आगे क्या? आगे नहीं किया तो आंदोलन करेंगे, कॉर्पोरेशन से काम करवा लेंगे, लगे तो मुख्यमंत्री को बोलेंगे बाबा रास्ता होना चाहिए। वो देखो मुख्यमंत्री तो खुद सदन में बोलते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अपना तुम्हारा काय त्रास होना नहीं। वो बात अलग है, टाइम बताएगा, हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। हम कॉमन आदमी का जो दर्द है समझते, इसके लिए हम लोग रस्ते पे उतरे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।